हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक गोरिल्ला का फेस बनाएंगे और वो भी पूरा का पूरा 8 लाइन का पेंसिल से। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले मैं HB से एक नॉर्मल स्ट्रोक दे रहा हूँ, जो आप बिगिनर लोग के लिए है। ये एकदम ही नॉर्मल सा स्ट्रोक है, जिससे आप लोगों को सुविधा होगा। जैसा मैं दिखा रहा हूँ आप देख सकते हो, मैं कोई ब्लाइंडिंग का यूज़ नहीं किया। तो आप लोग देखो, समझ में आ जाएगा कैसे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने 2B के साथ साथ 4B के साथ साथ 6B एंड 8B एंड 10B को यूज़ किया। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये मेरे को बनाने में 12 से 10 घंटा लग गया, ठीक है। तो मैंने टाइम लैप्स बनाया इसीलिए, जो आप लोगों को सुविधा हो देखने में, इसलिए मैंने टाइम लैप्स बनाया। तो आप लोग ज़रूर एंड तक देखोगे तो समझ में आ जाएगा कैसा करना है। ये पूरा का पूरा बिगिनर लोगों के लिए है। मैंने एकदम सा नॉर्मल स्ट्रोक यूज़ किया, आप लोग देख सकते हो। मैं कोई ब्लाइंडिंग नहीं यूज़ किया। और इसके साथ साथ मैंने यूज़ किया जो कैमल का, जो नॉर्मली मैकेनिकल इरेजर बाजार में पाया जाता है, वही यूज़ किया, जो आप लोगों को 20 रुपया या 25 ऐसा में मिल जाएगा मार्केट पे आप लोगों को। हम लोगों को इधर तो 20 रुपया भी मिलता है, इसलिए मैंने ये यूज़ किया। और ये बहुत ही मोटा होता है, इसका नीप जो है इरेजर है, उसको मैंने शार्पनर से थोड़ा सा नुकीला बना के मैंने यूज़ किया। और उसके साथ साथ मैंने जो क्ले इरेजर बाज़ार में मिलता है, वो क्ले इरेजर यूज़ किया मैंने। इससे आप लोगों को बहुत ही सुविधा होगा। और मेरे पास तो अभी पैसा भी नहीं है टोम्बो 10 इरेजर ख़रीदने का, इसलिए मैंने वही इरेजर मैंने यूज़ किया। और मैं कोई ब्लाइंडिंग नहीं यूज़ किया, ये सभी के पास तो ब्लाइंडिंग स्टैम्प नहीं होता। और ब्लाइंडिंग स्टैम्प को छोड़ के आप भी बहुत अच्छा पेंटिंग ऐसा स्केच बना सकते हो, इसलिए मैं वही दिखा रहा हूँ आप सभी के लिए। और एक बात, ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और ऐसा अच्छा अच्छा वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को फॉलो कर देना मत भूलिए। मैंने एकदम सा नॉर्मल सा कार्टिचुअर के ऊपर ये पेंटिंग बनाया या ये स्केच किया। इसमें मैं ज़्यादा पेंसिल्स का प्रेशर अप्लाई नहीं किया। पेंसिल का प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करोगे तो कागज़ ख़राब हो सकता है, आप लोगों को इरेज करने में दिक्कत आएगा। इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा प्रेशर अप्लाई किया, जहाँ पर डार्क है वही पे, जैसा 4B, 6B, 8B, 10B ऐसा यूज़ किया। जहाँ पर कम डार्क है वही पे 2B HB से ही काम चला लिया। आप लोग देखोगे तो समझ में आ जाएगा, और इरेज भी करने में सुविधा होगा। इरेज करने से उस जगह पे कोई दाग या ये नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग देखो, समझ में आ जाएगा मैं कैसे किया। जो लोग
नया नया स्टार्ट कर रहे हो उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, आर्टलाइन का पेंसिल ज़्यादा रेट में नहीं मिलता मार्केट पे। आप लोगों को 100 रुपया या 70 रुपया पे एक सेट मिल जाएगा या और भी कम दाम पे मिल जाएगा। आप लोग ये यूज़ कर सकते हो, इससे आप लोगों का काम अच्छा होगा एंड इससे आप बहुत ज़्यादा सीख सकोगे। एक खरीद लोगे तो ऑलरेडी 6-7 से ज़्यादा काम कंप्लीट कर सकते हो। इससे आप लोगों को कोई ज़्यादा रेट में नहीं मिलेगा, आप लोगों को नॉर्मली बाजार पे मिल जाएगा। आप 100 रुपया खर्चा करोगे तो आप लोगों को 10 काम इजीली हो जाएगा। सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। फिर मिलते हैं कोई नया सा टॉपिक लेके, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल कर देना।